आज देश में पंजाब में जो हो रहा है उस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए आपकी मुलाकात भगवंत मान जी से मार्च की शुरुआत में हुई, उनको गिरफ्तार 2 हफ्ते बाद करने की कोशिश भी की गई मगर वो हाथों से निकल गए। तो ये कैसे हुआ? अमृतपाल जब आप लोगों का इतना तालमेल बना तो वो बचकर कैसे निकल गए? देखिए, ये सारी चीज़ें मैं सार्वजनिक रूप से यहाँ नहीं बता सकता, मगर इतना बताता हूँ, हर 3 महीने मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता हूँ, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलता हूँ। ये कोई नई बात नहीं, इसकी इसको कोई घटना के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी का सवाल है, किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम वो राज्य के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि ये मामला देश का होता है, पॉलिटिक्स का नहीं। और पंजाब सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, केंद्र सरकार उनके साथ है। तो आप इसमें गलती किसकी मानते हैं? ये कैसे हुआ कि हम साथ में मिलकर भी, गलती का इतना जल्दी आकलन मत लगाइए ना जी। कुछ बात चल रही है, ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं, ढेर सारे लोगों को उन्होंने NSA भी लगाया है, ढेर सारे लोगों को जेल में भी डाला है, अलग अलग प्रकार के केस भी रजिस्टर हुए, ढेर सारी मात्रा में हथियार भी जब्त हुए। मैं मानता हूं कि कठोर कार्यवाही की, और आपको उम्मीद है कि अमृतपाल को पकड़ लिया जाएगा जल्द से जल्द? मेरी उम्मीद से कहीं नहीं, वो कुछ नहीं होता है, एजेंसियां और पुलिस दोनों कार्यरत है, वो अपना काम करेंगी। और मैं मानता हूं ये सारे सार्वजनिक इंटरव्यू के हिस्से नहीं होते हैं, संवेदनशील प्रकार के बातें हैं और उसको इसी प्रकार से टैकल करना चाहिए। अमित जी, जो पंजाब में हुआ उसका हमने बाहर भी देखा कि भारतीय दूतावासों में जो है हिंसक प्रदर्शन हुए, वैंकूवर, मेलबर्न, वॉशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह इस तरह के प्रदर्शन हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का दूतावास देश के दुनिया के किसी भी हिस्से पर हो, वो भारत का भाग है जी, और उस पर हमला वो प्रीमाइसिस के अंदर किया गया कानून भारत के सार्वभौमत्व पर हमला है। हमने दिल्ली में FIR रजिस्टर करी है और जिन जिन लोगों ने ये कार्यवाही की है उस पर हम एक्शन लेने की शुरुआत भी की। क्या एक्शन लेंगे? कुछ OCI वगैरह कार्ड कैंसिल करने की भी? देखिए, UAPA लगाया है उन्होंने और अब सारी वहां से रिकॉर्डिंग भी मंगाई गई, रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस प्रोफेशनल एक्शन लेगी। अमित जी, खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, आप किसका हाथ मानते हैं इसमें? कई सारे वर्षों से, 90 के दशक से चल रहा है, अब किसका हाथ है ऐसा पिन पॉइंटेड कहना तो बड़ी दिक्कत है, परंतु मैं मानता हूं कि इस देश के हर हिस्से में रहने वाले सिख भाई, सिख नागरिक, पंजाब में भी रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन ये मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए और भारत के प्रति निष्ठा से हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया और विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितना बलिदान सिख भाइयों ने दिया है, सिख जवानों ने दिया है, शायद देश के किसी हिस्से में नहीं, और हर भारतीय को इस पर गर्व है। अमित जी, एक दूसरे मुद्दे की ओर जाता हूं। हाल में जुडिशरी से सरकार के टकराव का एक माहौल बना हुआ है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनकर जी और रिजिजू जी जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में रिकमेंडेशंस की अनदेखी की है। इसको देखिए, जुडिशरी, मैं समझ गया आपके, आप ये कोई टकराव वकराव नहीं है, सब अपने अपने एक ओपिनियन देते हैं भाई, इसको टकराव का स्वरूप मत दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार जुडिशरी से किसी भी प्रकार का टकराव कर ही नहीं सकती, किसी भी सरकार ने नहीं करना चाहिए। दोनों का संविधान सम्मत काम करने का अपना अपना दायरा है और सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कर भी रहे। नहीं, NGAC बिल जो है दोनों संसदों में पास हुआ था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके सरकार के एक मंत्री बराबर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो चल रहा है ये क्या हमारे देश के लिए ठीक है? हमारी सरकार के मंत्री की बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है। आपने जिस जजमेंट का जिक्र किया कि कानून को उस जजमेंट से उलट फेर कर दिया, ऐसा नहीं है।
वो ही जजमेंट में एक हिस्सा है कि आप जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एक नई एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। जी, भारत सरकार ने एक एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजी है जी, जो वहां लंबित है। किरण जी ने कहा है इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं मानता है कोई टकराव की बात है, मगर अब आप जो आपकी स्पर्धा होती है टीवी ज्यादा कौन देखे इसकी, और कुछ भी कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भाई इसको? एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, और मुझे पता है कि आप इस ये नोकझोंक जो है सुप्रीम कोर्ट, ये अडानी में भी उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं कमेटी का गठन किया, आईबी रिपोर्ट जो है जजेस पर आईबी रिपोर्ट भी पब्लिक की, तो इलेक्शन कमीशन में भी सरकार की पावर्स को थोड़ा डाइल्यूट किया, तो क्या आप ये नहीं देखते कि इसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ नोक फिर भी एक बार जजमेंट नहीं पड़ा है? दोनों इलेक्शन कमीशन पर जो जजमेंट आया है उन्होंने कहा है कि सरकार जब तक कोई कानून नहीं बनाती तब तक की ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उन्होंने बताई है। सरकार को कानून बनाने का मौका दिया, अब सरकार का काम है कानून बनाकर कानून सार्वजनिक कर दे, संसद में पारित करा ले, और सरकार करेगी, इस पर विचार कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हमने जो फैसला दिया है वो कानून हो गया है जी, कानून बनाने का काम देश की संसद का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमें लगता है कि इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता है, और जब तक नहीं बनता है तब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो स्वागत है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का। अब गैप जो है वो भरने का काम हमारा है, हम कर रहे हैं। अमित जी, एक मुद्दा जिस पर आपने बहुत काम किया है और वो है ड्रग्स के खिलाफ, आपने बहुत काम किया है, आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया, आप कैसे देख रहे हैं कि भाई मैं काफी चीजों पर काम करता हूं। मैं कर वो सब तो करते हैं, मेरा मतलब है कि ये एक ड्रग्स फ्री इंडिया का जो सपना है वो कब पूरा होगा? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आज भी इतने देखिए ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती, ना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, एक लड़ाई है और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, मगर अप्रोच में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ड्रग के खिलाफ लड़ाई में हमने अप्रोच बदला है, एनकोड कर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए, जिस एनकोड के अंदर चार स्तरीय व्यवस्था है, केंद्रीय स्तर पर दो व्यवस्था है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है, और एक सिर्फ पहले पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ लड़ते, अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, जेल, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े, वो व्यवस्था का नाम है एनकोड व्यवस्था, जो 2020 से हम लेकर आए, और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकड़ों में आया है जी। मैं आपको बताता हूं, पहले 9 साल में 630 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था, और ये 9 साल में 22,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। देश की जनता को भी शायद मालूम है, हर 3 महीना अपने हाथ से मैं ड्रग